फैसला आ जाएगा यूएस में फेड का, और उसके बाद शायद एक नया मोमेंटम बाजार के अंदर, इसे हम कह सकते हैं तेजी मंदी दोनों का हो सकता है। आपका स्टांस क्या है, ठीक इवेंट से पहले बाजार के अंदर क्या करना चाहिए? कुछ प्लस करना चाहिए जैसे आप ट्रेडिशनली कहते हैं कि आप प्लस ही करें अभी, या फिर अभी थोड़ा रुक जाए, इस इवेंट को पास हो जाने दें, आप भी इसको देखना चाहते हैं कि देखते हैं होता क्या है। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, प्रियंका और अजय को। तो मैं आपको तीन चीजें कहता हूं। पहले, कल नेचुरल गैस के प्राइसेस 20% घटे, और मैं आपको कई दिन से कह रहा हूं कमोडिटीज में इतना कंसेंसस बुलिशनेस हो गया है कि अब कोई रूम नहीं है अपसाइड का। इनफैक्ट तेल का भाव मुझे $20 सस्ता दिखता है, और अगर मैं सही रहा और अगले हफ्ते से क्रूड घटा तो फिर ब्याज दरें और इन्फ्लेशन दोनों प्राइस इन हो जाएंगी। तो डिम्पी, द चॉइस इज योर्स। दूसरा, आज अडानी ने फिर एक ग्रीन एनर्जी की $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है। तीसरा, 18% अब हमारा क्रूड यूएसएसआर से आ रहा है, उसका मैं भाव नहीं बता रहा, लेकिन इंडिया जी ना स्वीट स्पॉट, और यहाँ पे सारे लोग निवेश करने की चेष्टा में है। रीओपनिंग स्ट्रांग है, और मुझे कोई दो राय नहीं कि वी मे बी क्लोजर टू और मे बी हैव मेड अ बॉटम इन एडवरेंटली, एंड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड वी स्टार्ट टू बी बुलिश एज कमोडिटीज सेल ऑफ एंड इन्फ्लेशन कम्स डाउन। 20% नेचुरल गैस में 3 साल में नहीं घटा, एक दिन में जो कभी हुआ, जो एक दिन में हुआ है। इस कारण से डिम्पी, मैं एज ए डिस्क्लोजर लॉन्ग हूं, और मैं सोचता भी हूं कि मैं पैसा कमाऊंगा, बिकॉज मुझे लगता है एंड ऑफ जून विल बी वेरी वेरी स्वीट इन द नेक्स्ट 15 डेज। राइट संजीत जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। इनफैक्ट मुझे आपसे एक राय और लेनी थी। मैंने एक बैंक ऑफ अमेरिका का फंड मैनेजर सर्वे देखा, हम सब देख रहे हैं कि कैसे FIIs ने दबा के माल बेचा है लास्ट 1-1.5 साल में, और अपने कैश लेवल्स बड़े एलिवेट कर लिए थे। लेकिन अभी जो डेटा आ रहा है वो एक महीने में इन लोगों ने भी बाजार के गिरावट ने पैसा लगाना शुरू कर दिया है, तो क्लियरली इस गिरावट का फायदा तो उठा ही रहे हैं लोग। ग्लोबली इन्वेस्टर्स जो है एलिवेटेड कैश लेवल पे नहीं है लग रहा है, डालना शुरू कर दिया, तो हमें क्यों नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल अजय जी, आप भी अपने आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और आप आंसर भी दे रहे हो साथ में। अनिल जी, सॉरी अजय जी, सबसे ज्यादा एविड एक जो लेजेंड है वो वॉरेन बफेट है, और वॉरेन बफेट ने मार्च से अब तक सबसे हाईएस्ट कैश डिप्लॉयमेंट किया है। तो आई एम नॉट सेइंग टेक अ चिल पिल, क्योंकि भाव आपके साथ है, लेकिन कई बार बिकॉज ऑफ द नॉइज यू मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी टू बाय। और आपने सही कहा, तो मैंने इसलिए आपको टिप्पणी दी है कि मैं कन्विंस्ड हूं कि वी आर वेरी वेरी क्लोज, और वी मे हैव मेड अ बॉटम इन एडवरेंटली, एंड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स 17-18 ऑनवर्ड्स आई एम रिलेटिवली वेरी वेरी बुलिश फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ, एंड आफ्टर मिड आई विल बिकम इवन मोर बुलिश। अब आपको पता है रशिया यूक्रेन का उस सर्वे में क्या परसेंटेज है जो देख रहे हैं, जस्ट 6%। तो आपने सब कुछ, अब आपका एक ही दारोमदार है इन्फ्लेशन एंड रेट्स, वो भी आज स्टोरी खत्म हो जाएगी। इंडिया में भी ये हो चुका है, अडानी बड़ी डील साइन कर रहा है, गैस प्राइसेस आर लो, आपके यहाँ यूएसएसआर से 18% $25 सस्ता आ रहा है। तो ये पॉजिटिव्स है। नेगेटिव है कि जो ETF और जिसका कोलैटरल रिस्क यूएस की तरफ है वो बेच के जा रहा है। तो मेरे को कोई दो राय नहीं है, लेने के मौके है। आप कहे तो मैं आपको आज डिलीवरी के भी 3 नाम दूं, और 3 आपको मैं डेरिवेटिव की कॉल दूं। बिल्कुल, मॉर्निंग संजीव जी, एब्सोल्युटली आप तो कह रहे हो लेने की चेष्टा करें, या आप बहुत दिनों से कह रहे हैं। बिल्कुल, आपकी कॉल्स बताएं, डेरिवेटिव कॉल्स भी बताएं प्लीज, और कैश कॉल्स भी। तो पहले कैश देता हूं प्रियंका। देखिए, सारे 3 नाम मैं कह रहा हूं आप लेके रखिए, 50% तो अभी लीजिए और 50% आप सिप कीजिए। सबसे पहले टाइटन, द लार्जेस्ट मेकर ऑफ ज्वेलरी एंड डिजाइन इन इंडिया एंड एवरीवन्स एस्पिरेशन, उसने ग्रो करना ही करना है, और जैसे इन्फ्लेशन मॉडरेट होगी, वेडिंग्स एंड सीजंस विल कीप कमिंग। टाइटन इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ टाइम एट 2100। आई एम लुकिंग फॉर टारगेट्स क्लोजर टू 2450-25। सेकंड, अगेन फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटाज इंडियन होटल, आप देख रहे हैं रूम ऑक्यूपेंसी एवरेज रूम रेट्स आर हिटिंग द स्काइज एंड यू कांट बट मेक मनी एट 216 ऑन इंडियन होटल। थर्ड वुड बी टाटा स्टील। नाउ आप बोल सकते हैं कि चाइना में स्लो डाउन है, कोविड है, लेकिन ये कितने दिन रहेगा? चाइना इज टेकिंग वेरी एक्टिव मेजर्स। जिस दिन चाइना खुला, आप स्टील के प्राइसेस विल रिबाउंड वेरी वेरी शार्पली। इंडिया में लोकली स्टील इज रिबाउंडिंग। टाटा स्टील इज द ओनर ऑफ कोरस विच मेक्स स्पेशलाइज स्टील विच सेल्स एट 4 times मोर प्राइसेस फॉर द ऑटो मैन्युफैक्चरर्स। 950 में यू आर रिस्क रिवॉर्ड ऑफ गोइंग टू 1150 इज मच मोर देन अ 30 rupee डाउन साइड। Now, derivative calls which I'm giving today, if you may say, I will proceed with that. Please, बिल्कुल संजीव जी बताएं। देखिए प्रियंका, सबसे पहले लीजिए लार्सन एंड टूब्रो।
अनक्वेश्चनेबली 44% उसका बिजनेस मिडल ईस्ट से आता है। अगर कमोडिटीज में सेल ऑफ आता है उसके लिए विन विन सिचुएशन है, उसका मार्जिन एक्सपैंड करेगा और उसका बिजनेस प्रोफाइल बढ़ता ही है और उसके पास ऑर्डर इनफ्लोज ह्यूज हैं। आज की डेट में साउदीज आर इन्वेस्टिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर बिकॉज जो $30 में बेच रहे थे $120 में बिक रहा है। यू कैनॉट बट मेक मनी इन टाटा इन लार्सन एट 1545, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1510, लुक फॉर टारगेट्स क्लोजर टू 1630। सेकेंड पिक वुड बी, आज आपने देखा है IPL राइट्स की बहुत बड़ी डील हुई है, अगेन एड रेवेन्यूज आर गोइंग टू गो थ्रू द रूफ, आई विल गो विद सन टीवी, 425-426 में लीजिए, इट हैज द लार्जेस्ट रीच इन 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 द रीजनल लैंग्वेजेस, इज ग्रोइंग इन द अदर, और ये जो एड रेवेन्यूज है इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर। तो 425-426 में 410 का स्टॉप लॉस, 466 का टारगेट, और थर्ड पिक होगी डालमिया भारत। I think unquestionably one of the best plays as far as margin goes. 1280 में लीजिए, 1235 का stop loss, 1450 का target.